नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल आरएएस एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2020 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राजस्थान होमगार्ड के जो आवेदन हैं 10 जून से भरकर 9 जुलाई तक भरेंगे। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट है कि क्या आवेदन करने के लिए 8वीं की मार्कशीट जरूरी है, क्या यह नौकरी सरकारी है, कितने साल तक नौकरी कर सकते हैं और भी कई सारे डाउट्स हैं जो इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप शुरू से और एंड तक जरूर देखना ताकि होमगार्ड भर्ती से संबंधित आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से राजस्थान से संबंधित जो प्रत्येक जानकारी दी जाती है वो ऑथेंटिक ही होती है, क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ, आपको बिल्कुल भी गलत जानकारी नहीं दूंगा। इसलिए दोस्तों, आप भी राजस्थान के हो, किसी भी ज़िले के हो, तो इस चैनल को आप तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सही जानकारी वैकेंसियों से संबंधित मिल सके। अब जो आपकी जानकारी थी कि क्या इसमें 8वीं की मार्कशीट होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं पास रखी गई है। ये नहीं है कि आपको ये ज़रूरी है, आपकी 10वीं की मार्कशीट भी काम आ सकती है। 10वीं की जरूरी है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, तो 10वीं की आपको ज़रूरी है। वैसे कम से कम आप 8 पढ़े होने अवश्य ही, आपको 8 पढ़े होना चाहिए। ये तो आपकी ये जो डाउट था कि 8वीं की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 8वीं पास से आप कम पढ़े भी नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड्स नियमावली के 1962 के नियम 8 के अनुसार चयनित स्वयं सेवकों को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 5 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है। तो जो स्टूडेंट बोल रहे थे और जिनके मन में ये डाउट था कि क्या ये भर्ती सरकारी है या प्राइवेट है, तो उनके लिए ये यहाँ पर बिल्कुल निश्चित लिखा हुआ है कि वैसे तो ये जो भर्ती ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ये 5 वर्ष के लिए ली जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो होमगार्ड्स हैं इनकी पुनर्नियुक्ति होती रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार 5 साल के ले लिए उसके बाद में छोड़ दिया जाता है, इनके साथ अन्याय नहीं किया जाता है। अगर एक बार इसमें आप नियुक्त हो गए तो उसके बाद में आप इसमें लगे ही रहोगे। ये इसमें बता रखा है कि पुनर्नियुक्ति के समय प्रावधान है। वैसे आप स्पेशल अगर कोई पूछे तो 5 साल के लिए इस भर्ती में लिए जाते हो। ये भर्ती अस्थायी है, स्थायी भर्ती नहीं है। जैसे कि राजस्थान पुलिस आना है कि स्थायी भर्ती नहीं है, ये अस्थायी भर्ती है। इसमें आपको हटा भी सकते हैं किसी कारणवश, तो वैसे 5 वर्ष तक आपको हटा नहीं सकते, लेकिन अस्थायी है वैसे हटा भी सकते हैं। तो ये भर्ती सरकारी ही, वैसे इसको सरकारी भी समझ सकते हैं, प्राइवेट भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा वो है कि इसमें 5 साल के लिए आप ले रहे हैं और उसके बाद में पुनर्नियुक्ति है आपकी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। बहुत से जो होमगार्ड्स हैं उनकी राजस्थान पुलिस में भी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये आपके आचरण के ऊपर निर्भर करता है कि आपका होमगार्ड के पद पर रहते हुए आपका जो आचरण है वो किस प्रकार का है। अब आपकी जो सैलरी से संबंधित बात है, तो आपको 1 महीने के 21,000 रुपये मिलेंगे, सीधी सी बात है। 693 रुपये मिलते हैं प्रतिदिन के, यहाँ पर देखिए देने के प्रावधान है, जो वर्तमान में 693 रुपये प्रतिदिवस मिलते हैं। तो 31 दिन के आपके 21,000 रुपये हो गए, आपको 21,000 रुपये 1 महीने की इसमें सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, पेपर से संबंधित हम बात करें तो इसमें 50 नंबर का आपका वैसे कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जो 30 नंबर का आपका इसमें फिजिकल है, 30 में से 30 नंबर आपको अगर बढ़िया है, अगर फिजिकल में आप 30 नंबर ले आते हो, और 20 नंबर का आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं, NCC, RSCIT, RKCL वगैरह हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो 20 नंबर आपको इनके स्पेशल मिलेंगे। इस प्रकार से आपके 50 नंबर का ये पूरा मैटर है, पूरी भर्ती प्रक्रिया 50 नंबर पर आधारित है। ये थी पूरी जानकारी जो आपके मन में डाउट थे। और भी कोई अन्य डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक होकर पूछ सकते हो। मैं राजस्थान के अलवर जिले से हूँ, आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।